नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गाइड। आज की ये वीडियो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछा करते थे कि सर आप बताइए कि कैसे हम अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को घर बैठे लिंक कर पाएंगे, जो कि ये काम आसान कर दिया है पोस्ट ऑफिस ने अपने वेबसाइट पर जो है इसका ऑप्शन ऐड करके कि आप ऑनलाइन कैसे अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कर पाएंगे। उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हम इसी तरह की आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्ट हो सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप देखेंगे ये वेबसाइट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आप यहां पर आएंगे, जिसमें आपको यहां पर सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। इसके ड्रॉपडाउन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक और ड्रॉपडाउन दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा नॉन आईपीबी कस्टमर्स का। तो यहाँ पर आप आएंगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डोर स्टेप बैंकिंग का, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग का, जिसमें आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आधार मोबाइल अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आप चेक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर सभी डिटेल फिल करने होंगे, जिसमें आप यहाँ पर सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, दोनों लाइन में प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पिन कोड डालना होगा, पिन कोड आप सही डालेंगे। उसके बाद में आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे, उससे रिलेटेड नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जितने भी आपके होंगे वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखा दिए जाएंगे, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू जितने भी डिटेल होंगे वो आपको नीचे फैच कर लिए जाएंगे, उसको आपको फिल नहीं करना होगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्लीज लिंक माई मोबाइल नंबर। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप चेक करेंगे। इस पर चेक करने के बाद में आप यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पर सेम फिल कर देंगे। उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दिया जाएगा। मैसेज आपका सक्सेसफुल आने के बाद में आपके दिए गए एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके दिए गए एड्रेस पर पोस्टमैन आएगा, जो कि अपने मोबाइल से आपका बायोमेट्रिक जो है केवाईसी कंप्लीट करेगा और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के थ्रू लिंक कर देगा। लिंक करने के बाद में आपको ₹50 उसको पेड करने होंगे। पेड कर देने के बाद में आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं, उसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।